नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन, मैं दीपिका जांगड़ आपके साथ। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2021 पेपर लीक मामले में कई सवालों से अभी पर्दा उठना बाकी है। ऐसे में बेरोजगारों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इस पूरे मामले का खुलासा करने के लिए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव ने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए 14 अक्टूबर से आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया है। आज बुधवार को उपेंद्र यादव ने बयान जारी कर कहा कि उन्होंने पिछले 9 साल से युवा बेरोजगारों के लिए निस्वार्थ संघर्ष किया है और लाखों बेरोजगारों को इसका परिणाम भी मिला है। उनका कहना है कि सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, बेरोजगारों हितों पर आंच आई, वे कभी किसी सरकार के सामने झुके नहीं। उपेंद्र यादव का यह भी कहना है कि पेपर लीक और नकल के मामलों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून की दरकार है। वे सरकार से इसके लिए एक सख्त कानून लाने की भी मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही SI भर्ती और JEN भर्ती में हुई धांधलियों से पर्दा उठाकर बेरोजगारों को न्याय दिलाना, रीट में गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और परीक्षा से वंचित महिला अभ्यर्थियों को राहत दिलाने भी उनकी मांगों में शामिल है। निष्पक्ष जांच करवाने और दोषियों को सख्त सजा दिलवाने व बेरोजगारों को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले युवाओं और बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया है। तो वहीं इस प्रदर्शन में युवाओं ने फावड़े लेकर प्रदर्शन किया और भीख मांगी। इसके साथ ही हाथों में पेन थामकर और बेड़िया बांधकर भी अपने गुस्से का इजहार किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री होशियार मीणा का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री डोटासरा पारदर्शिता से परीक्षा करवाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वे खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ जगहों पर पेपर आउट हुए हैं। सरकार को रीट निरस्त करते हुए इसकी परीक्षा दोबारा करवानी चाहिए। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।